दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। दोस्तों आज मैं आपको बोगनविलिया को कलम द्वारा कैसे लगाते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि बोगनविलिया को हम कलम से कैसे लगा सकते हैं। बोगनविलिया आपको कई रंगों में मिलेगी, ये सफ़ेद रंग की भी आती है, लाल रंग की भी आती है और मिक्स कलर की भी आती है। मल्टी लीफ फ्लावर भी बोगनविलिया आती हैं बाज़ार में, आप यदि देखेंगे तो हर प्रकार की आपको बोगनविलिया मिलेगी। मैं आज आपको इस पे घर पर आप इसको कैसे आसानी से कलम द्वारा लगा सकते हैं वो जानकारी बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों जानते हैं कैसे लगाएं। दोस्तों लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग में दिखे आपको सब्सक्राइब पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा, इससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक बेल आइकन भी दिखेगी, जिस पर भी आपको एक बार क्लिक करने से आप पर नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बोगनविलिया का एक पेड़ लगा हुआ है मेरे घर पर, मैं इसकी शाखा एक काटूंगा और इस शाखा से आपको कलम कैसे बनाएंगे और उसको कैसे लगाएंगे वो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आपके घर पे यदि पेड़ लगा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, या आपके आसपास कहीं पेड़ लगा हो और वहाँ से आप एक कलम लाकर भी अपने घर पर लगा सकते हैं। इसकी एक शाखा हमको देखनी है जो कि एक पेंसिल के आकार की मोटी हो, उसको हमको इसमें से काटना है और उसकी हम कलम बनाएंगे। इस शाखा को मैं यहाँ से काट लेता हूँ। ये शाखा हमने इसकी काट ली है और इसको अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसमें आपको काम करना है। आपका जो निचले का नीचे जमीन में जो हिस्सा जाएगा वो गोल रहेगा और ऊपर जो आएगा वो तिरछा काटेंगे। मैं अपने हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ, कलम लगाने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखें। और इनके जो पत्ते हैं उनको भी हटा देते हैं हम। इस प्रकार आपको पूरी इस कलम को साफ करना है। ये नीचे का हिस्सा मैंने गोल आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर का हिस्सा तिरछा कटा होता है और ये इसकी जो साइज आप लें वो 1 9 इंच या 1 फुट के साइज के आकार की आप एक बड़ लें और उसको जमीन में गाड़ दें। जमीन पर गाड़ते समय ये ध्यान रहे कि इसको थोड़ा तिरछा गाड़ें। मैं आपको इसको लगा कर भी दिखा देता हूँ। इस प्रकार आप एक गमले में या आपके पास जमीन में जगह हो नीचे आंगन में तो वहाँ पर भी इस प्रकार आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जरूर से जरूर इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, उस पर एक बार क्लिक करते ही मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ एक घंटी के आकार का आपको आइकन दिखेगा, उस पर भी एक बार क्लिक कर दें ताकि आप पर भी नोटिफिकेशन आना चालू हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।